इसका? ये है 170 की। 170 क्या डिमांड करें इससे? ये 150। 150 यही है और ये प्राइस इसका 170 है। 170 क्या डिमांड करें? 150 में 135,000 की। अच्छा 135,000 है डिमांड ला? ये 2 लाख की है। 2 लाख आपका 560 है। ये 150 की है। 150 क्या डिमांड करें इसका? ये 690 की। 690 चित्रांत में आपको फिर से वीडियो में स्वागत है। आज मैं हूँ तिरुपति मोटर्स। बहुत टाइम बाद फिर से मैं यहाँ आया हूँ। आपको करीबन 10-15 गाड़ियाँ दिखाऊंगा जिसमें सबसे कम बजट में आपको 135,000 से स्टार्टिंग रहेगा और वो भी आपको यहाँ तक अल्टो का बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और आपको यहाँ स्कॉर्पियो भी 2-3 मिल जाएंगी। एक ब्रेजा है जो अच्छी कंडीशन में है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो पूरा एंड तक देखना। भैया को बुलाएंगे, एक एक डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो चलो भैया बुलाएंगे और एक एक डिटेल्स बताते हैं। तो आज हम दिखाने वाले हैं तिरुपति मोटर्स में हैं, तो भैया पूरे एक एक डिटेल्स बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ करीबन कितनी गाड़ियाँ होंगी आपके पास? यहाँ 20-25 गाड़ी है। 20-25 गाड़ी। आपका शुभ नाम बताइए सबके पास? मेरा मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद करके हैं। और ये जैसे किसी को आना होगा लैंडमार्क? ये अपना बिहाइंड है जेल, है जेल रोड। हाँ, जेल से बोरसी रोड के लिए जाते हैं। बोरसी रोड के लिए जाते हैं, मतलब जैसे ही भिलाई बेकरी से आएंगे बस, बस बस राइट लिए। हाँ अच्छा, तो अभी आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी? 25-30 गाड़ी है। 25-30 गाड़ियाँ हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बोलेरो का। बोलेरो है ये। कितनी सीटर होगी ये? 7 सीटर। 7 सीटर है। कौन सी मॉडल है? 15 की मॉडल है। 87 कुछ चली हुई है। 87,000 करीब। ओनर? फर्स्ट ओनर है। क्या डिमांड है? 520। 520 है। बाकी पूरा ओके है कंडीशंस? बाकी ओके है। इसमें अभी अंदर में पूरा म्यूजिक सिस्टम से लेकर सब सब है। एसी है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, पूरा सब। पहले से लगा हुआ है कि अलग से कुछ और काम हुआ है? लगा ही हुआ है। लगा हुआ एडिशनल पावर विंडो लगा है, बाकी सब। जैसे कि फाइनेंस कराना होगा तो कितना देना पड़ेगा? तो ये फाइनेंस के लिए ऐसा बोल नहीं सकते। अच्छा, मतलब वो आदमी के बैकग्राउंड तक पार्टी आती नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट्स होता है, उनका सिविल चेक होता है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, इसमें नेगोशिएबल रहेगा? हाँ, नेगोशिएबल हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये है अपने पास स्विफ्ट का सिल्वर कलर में। ये कौन सी मॉडल? ये 2009 की है। 9 की है। ये पासिंग है रायपुर? ये भी 90 के करीब करीब चली है, 92-94। अच्छा, क्या डिमांड करें इसका? ये है 210 की। 210। ओनर कौन सा होगा? सेकंड या थर्ड है? सेकंड या थर्ड। बाकी टायर वगैरह पूरा सब सब बाकी अप टू डेट है गाड़ी? अंदर में पूरा कंप्लीट गुड कंडीशन? गुड कंडीशन है। इसके बाद देखेंगे, ये है अपने पास इंडिको। इंडिको है ना। कौन सी मॉडल होगी ये वाली? ये 2015। 15 की। कितना चला होगा ये? चली है 55-60 करीब करीब। 55-60,000। ओनर कौन सा होगा? फर्स्ट ओनर है। क्या डिमांड करें इसका? ये 225। यही लोकल दूर का पासिंग है। अच्छा, बाकी सभी जितनी भी प्राइस बताएंगे नेगोशिएबल रहेगा बैठक में ना? हाँ हाँ, सारी प्राइस नेगोशिएबल है। इसके बाद देखेंगे, ये है वैगन आर है, दूर का पासिंग में है। बाकी कौन सी मॉडल है? ये 2010 की। 10 की मॉडल है। 52-53 चली। 52-53। ओनर कौन सा ये वाला? ये सेकंड है मेरे ख्याल से, सेकंड या थर्ड में। सेकंड है। बाकी टायर वगैरह पूरा ओके? सब 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 ओके है। क्या डिमांड करें? VXI गाड़ी है। हाँ, गाड़ी में सब चीज़ें, AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब सब है। क्या डिमांड करें? ये है आपकी 190।
190 में, इसमें कम ज़्यादा रहेगा? हाँ सब कम ज़्यादा होगा। इसके बाद है स्कॉर्पियो, होंगे स्कॉर्पियो, ये कौन से मॉडल होने वाले? ये 2011 की है, M2DI में है। हाँ, 9 सीटर गाड़ी है। कितना किलोमीटर चलोगा? ये भी 90+ कुछ है। 90+। ओनर कौन सा? सेकंड। क्या डिमांड कर रहे हो? ये 440। बाकी पूरा अंदर कंप्लीट है? ऑल कंप्लीट गाड़ी, कुछ अलग से खर्चा कराने जरूरत नहीं है ना। इसके बाद देखेंगे अपने पास है अल्टो, है ना वो? K10। अच्छा, K10। बाकी कलर अच्छा, पूरा अलग से टचअप वगैरह थोड़ा बहुत रहता होगा? रहता है, हर गाड़ी में मिलेगा थोड़ा बहुत, नॉर्मल टचअप तो होता ही है। ये कौन सी मॉडल होने वाली? ये 10 की है। 10 की है। ओनर कौन सा है? ये सेकंड या थर्ड में भी। सेकंड या थर्ड। कितना किलोमीटर चला होगा ये? चला है 70-72 चली हुई। अच्छा, 71-72। बाकी क्या डिमांड करें इसका? ये है 170 की। 170 पूरा अप टू डेट है, पूरा कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये है स्विफ्ट। स्विफ्ट ये कौन सी मॉडल है? ये 2006 की है। 2006 की VXI पेट्रोल में। अच्छा, पेट्रोल में है। बताइए क्या है इसका? ये VXI है, टॉप मॉडल गाड़ी है, गाड़ी बहुत अच्छी है। रिन्यूअल हो चुकी है, 5 साल की RC। अच्छा, जो रिन्यूअल होती है, रिन्यूअल हो गई है, 27 तक वैलिड है। और ये प्राइस इसका 170 है। 170। कितना किलोमीटर चला होगा? ये भी 90+ है। और ओनर कौन सा है? ये ओनर सेकंड थर्ड है, भी सेकंड थर्ड है। बाकी पासिंग तो लोकल दुर्ग है। और गाड़ी बहुत अच्छी है, प्यारी गाड़ी है। बाकी कलर अच्छा, यूनिक रहता है, यूनिक कलर है। और VXI टॉप मॉडल में। अलग से इसका अलॉय वगैरह चेंज हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो वैसे ही लगा हुआ है, बस नॉर्मल। इसके बाद देखेंगे ये वाली है 2012 की K10 VXI है। हाँ ना, टॉप मॉडल है। ये भी इनका 52,000 चली हुई है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है। बाकी पूरा अंदर फ्रेश? फ्रेश फ्रेश, ऑलमोस्ट गाड़ी फ्रेश ही है। क्या है डिमांड ला? ये 2 लाख की है। 2 लाख की, इसमें भी थोड़ा बहुत तो रहेगा। हाँ, नेगोशिएबल है ही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट i20 केवल। i20 है। बताइए कौन से मॉडल होने वाले? ये 2017 की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और गाड़ी कंप्लीट है, गाड़ी अच्छी है। अच्छा, बाकी पूरा फ्रेश है? फ्रेश फ्रेश फ्रेश। इसमें इंश्योरेंस वगैरह होगा ही अभी तो? इंश्योरेंस 2-3 महीना बचा होगा। 2-3 महीना। कितना किलोमीटर चला होगा ये? चला है 51। और ओनर कौन सा होगा? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ही ओनर है ना। क्या डिमांड करें? ये आपका 560। 560 नए में तो बहुत होगा? नए में तो 11.5 के करीब। 11.5 के करीब है ना। इसके बाद देखेंगे अपना उधर का, देख लेते हैं पहले। अभी सबसे कम बजट में कितने तक है कार अभी आपके पास? 150 तक। 150 तक है अवेलेबल है। ये बताइए कौन सा मॉडल? ये है 2008 की ऑल्टो LXI। पावर स्टेयरिंग, AC, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, कम बजट में। एकदम कम बजट, एकदम बेहतरीन गाड़ी, कम बजट में। कितना किलोमीटर चला होगा ये? चला है आपका 60-62 कुछ चला है। 60-62। ओनर कौन सा है? ये सेकंड ओनर। सेकंड। क्या डिमांड करें इससे? ये 150। 150 यही है, मतलब सबसे कम बजट में लेना है जिसको। पेट्रोल में ये है, डीजल में वो है। अच्छा, ये पेट्रोल में है? हाँ, ये पेट्रोल में, वो डीजल में। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये वाली। ये 2010 की विस्टा है। हाँ, TDI इंजन है। हाँ, सेकंड ओनर है, गाड़ी बहुत अच्छी है। 80-75 कुछ चली है ये, और डीजल में बहुत अच्छी गाड़ी है। क्या डिमांड? 135,000 की। अच्छा, 135,000 में ये दे देंगे। हाँ, फ्रेश है पूरा? फ्रेश है, 2010 मॉडल, 10 की मॉडल है ना। इसके बाद देखेंगे ये है स्कॉर्पियो, ये कौन सी है? ये 2011 की M2DI है, 7 सीटर में है। हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, ये भी सेकंड ओनर है। कितना चला होगा ये भी? करीब करीब 80-90 चली है। 80-90। और लगभग जो पासिंग है अपने, ये छत्तीसगढ़ लोकल ही तो रहता होगा? छत्तीसगढ़ की पासिंग है, मगर ये अंबिकापुर की पासिंग है। अंबिकापुर के, ज्यादातर आपके पास दुर्ग और रायपुर की रहती है। दुर्ग, रायपुर, रामगांव का ही नंबर रहता है मोस्टली। क्या डिमांड करें इसका? ये 425। 425। अच्छा, इसके बाद जिसको कमर्शियल चाहिए पिकअप में, ये कमर्शियल व्हीकल्स है, अच्छी कंडीशन में है, ज़ेनॉन है, बहुत अच्छी है, 16 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। चली भी 49 समथिंग कुछ, 49 समथिंग चला। चारों टायर नए हैं, फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट ओनर है, शोरूम कंडीशन है यानी गाड़ी। क्या डिमांड करें? ये 550 की। 550। इसका लेंथ भी लंबा है, मतलब पीछे लंबा लंबा, नई गाड़ी है करीब करीब। इसमें भी कुछ कम ज्यादा होगा? हाँ होगा। इसके बाद कौन सा दिखाएंगे? सफारी। सफारी देखते हैं।
ये रायपुर पासिंग, रायपुर पासिंग 2012 मॉडल है। हाँ। ये सेकंड ओनर है। हाँ। ये चला होगा, ये भी करीब करीब 1890 करीब चला है। 1890 करीब। हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? ये है आपका 320। ओनर सेकंड बताया ना? ओनर सेकंड 320। इसमें टाटा सफारी डाइकोर बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, ये तो बहुत ही चल रहे हैं, बॉडी चल करा करा चला रहे हैं। इसके बाद देखेंगे ये है अपने पास इंडिगो 2010 मॉडल है। हाँ। ये भी टॉप मॉडल गाड़ी है। हाँ। सब चीज इसमें अच्छा है, डीजल में है ये। ओनर कौन सा होगा? ये ओनर में भी सेकंड ही। अच्छा, कितना किलोमीटर चला है? ये 75-70 करीब करीब चली है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हो? 150 में। अच्छा, 150। इसके बाद देखेंगे सेंट्रो जिंग, बताइए। ये 2009 स्टार्टिंग की गाड़ी है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, मिलना बहुत मुश्किल। हाँ, और गाड़ी एकदम शानदार है। अच्छा, बहुत ही अच्छी पेट्रोल फर्स्ट ओनर गाड़ी। हाँ। है, बहुत ही अच्छी गाड़ी। चला कितना हो गई ये? करीब करीब 60-65 चला है। 60-65। क्या डिमांड करे? ये 150 की है। 150। बाकी ये जो नाम ट्रांसफर का है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ता है? नाम ट्रांसफर में क्या रहता है, आधार कार्ड फोटो लगते हैं बस। और ये नाम ट्रांसफर का कितना चार्जेस है अलग? देखिए, अलग अलग जगह का अलग अलग, रायपुर का, नांदगांव का, अलग अलग। 3,500-3,500 में हो जाता है। मतलब 3-3.5 में हो जाता है। अभी लास्ट वो देखो, उसको दिखा सकते हो, लेकिन उतनी वो नहीं। एक मिनट भी आ रहा हूँ। 06 अपनी महासमुंद 2017 की फर्स्ट ओनर गाड़ी, बहुत ही अच्छी ब्रेजा है ये। अच्छा, अंदर से VDI ओपन है? नहीं, लॉक है। अच्छा, लॉक है, थोड़ी देर में देखो। पता ये कौन सी मॉडल? 17 की है। VDI फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना चला? 78-80 करीब करीब चली है। क्या डिमांड करे इसका? ये 690 की। 690। अच्छा, अभी VDI वर्जन बंद हो गया ना? अभी आ रहा है? नहीं, आ रहा है ना। अभी तो इसका टॉप मॉडल भी आ गया। टॉप मॉडल भी आ गया के साथ है ना। बाकी कंडीशंस ओके है? ओके, आप जाइए दिखाइए। ठीक है, आप देखो। बाकी देख सकते हैं, ये वाली जो गाड़ी आपको ब्रेजा लेनी है, भैया ने बताया 17 की मॉडल है, बाकी कंडीशन वेल मेंटेन है। तो आपको जो भी गाड़ी पसंद आया होगा, आप आइए, कॉल कीजिए, तिरुपति मोटर्स करके है। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इंस्टाग्राम में जाइए, ब्लॉग से सर्च कीजिए, वहाँ भी हमारा, और फेसबुक में भी वही सर्च करना है, सेम टू सेम वीडियो मिलेगा ही। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।